स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में शो से शक्ति अरोरा एग्जिट हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता तो होगा ही। अब शक्ति अरोरा के एग्जिट हो जाने के बाद अब इस शो की जो फीमेल लीड है भाविका शर्मा, वो भी इस शो से एग्जिट होने वाली है। तो आखिर भाविका शर्मा को इस शो से क्यों बाहर निकाला जा रहा है और इनके जगह आप लोगों को कौन देखने को मिल सकती है इस शो के फीमेल लीड में, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में बहुत ही बड़ा जनरेशन रिप आने वाला है। जी हां दोस्तों, और इसी के चलते सभी एक्टर को इस शो से बाहर निकाला जा रहा है। इस शो के जितने भी फीमेल लीड या फिर मेल लीड जितने भी एक्टर इस शो में काम कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर एक्टर को इस शो से बाहर निकाला जा रहा है। इस शो के मेल और फीमेल लीड दोनों को बाहर निकाला जा रहा है। शक्ति अरोरा को शो से बाहर निकाला जा रहा है और शक्ति अरोरा को क्यों बाहर निकाला जा रहा है और उनके जगह आप लोगों को कौन देखने को मिल सकते हैं, ये दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, अब भाविका शर्मा भी आप लोगों को गुम है किसी के प्यार में शो में देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग भाविका शर्मा का फैंस हैं तो ये आप लोगों के लिए बैड न्यूज है। और दोस्तों उनके जगह आप लोगों को ऋचा राठौर या फिर आस्था शर्मा, इन दोनों में से आप लोगों को कोई देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेकर्स ने भाविका शर्मा के जगह इन दोनों को अप्रोच किया है इस शो के फीमेल लीड में। तो आप लोग ऋचा राठौर और आस्था शर्मा, इन दोनों में से किन्हें देखना चाहते हैं इस शो के फीमेल लीड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भाविका शर्मा के चले जाने के बाद आप लोग इन्हें कितना ज़्यादा मिस करने वाले हैं ये भी बताइएगा जरूर कॉमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।